फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि जीएसटी के सॉफ्टवेयर में हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारे पास आइटम है जो हम बेचते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर में ऐड कैसे करेंगे और उसकी बिक्री कैसे करेंगे, यानी उसका जो बिल कैसे काटेंगे और हम उसको ऐड कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा चीज़ सीखने वाले हैं। तो सो प्लीज़, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, हम पहले सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में आइटम को ऐड करते हैं। तो राइट साइड में यहाँ पे एक आइटम है, उस आइटम पे इस आइटम पे मुझे क्लिक करना होगा। तो मैं अपने इस आइटम पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का, मैं न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है आइटम नेम, जो आइटम आप सेल करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। जैसे मान लीजिए हम आइटम सेल करते हैं सीपीयू, तो सीपीयू यहाँ पे इंटर किए। यहाँ पे एक ऑप्शन है शॉर्ट नेम, यानी सीपीयू का आप चाहें तो शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं कि आपको सर्च करने में आसानी होगी, तो अगर आप चाहें तो दीजिए, अदरवाइज ये कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद से इंटर करेंगे तो एक ऑप्शन है आपको एच एस एन कोड, हर प्रोडक्ट का एक एच एस एन कोड होता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे फुलफिल करिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहाँ पे एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये जो सीपीयू है इसका जो टैक्स स्लैब है जीएसटी का वो कितने परसेंट है, 5% इस पे लगता है टैक्स की 12% लगता है कि 18% लगता है। मान लीजिए ये इसका 18% जीएसटी का टैक्स लगता है, हम इंटर करेंगे तो कंपनी का नाम, कौन से कंपनी का ये सीपीयू है वो कंपनी का नाम चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी बनाना है तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन है, उस प्लस पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक कंपनी का आइटम खुल गया। मान लीजिए ये जो सीपीयू है वो है एसर कंपनी का, एसर हमने इंटर किया फिर सेव किया, तो हम यहाँ पे एसर चूज कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कौन से ग्रुप से आपने खरीदा है, वो ग्रुप का नाम यहाँ पे है, आप ऐड कर सकते हैं, तो चाहें तो आप ऐड करिए, अदरवाइज इसको जनरल पे रहने दीजिए। फिर इंटर करेंगे आप, उसके बाद से कहेगा कि सीपीयू जो है वो आप कैसे बेचते हैं, बॉक्स में बेचते हैं कि बैग में बेचते हैं कि आप पीस में बेचते हैं, तो हम पीस में इसको बेचते हैं। फिर हम इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस, कितने में आप इसको बेचेंगे। सपोज करिए मैं इसको 10,000 रुपये में बेचूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है इंटर करने पे एमआरपी इसका क्या होगा, तो मान लीजिए इसका एमआरपी है 12,000, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस का मतलब हुआ कि विदाउट टैक्स आपको खरीद कितने में पड़ा, तो मान लीजिए हमको बिना टैक्स का 9500 रुपये में, 95,000 रुपये में खरीद पड़ा, 9500 रुपये में। फिर मैं यहाँ पे इंटर किया, अब बता रहा है कि आपको जीएसटी का बिल लेकर के कितने में खरीद पड़ा, तो मान लीजिए हमको एक सीपीयू 9700 रुपये में खरीद पड़ता है। फिर यहाँ पे करा सेल्फ वैल्यू, और इसे भाड़ा लगता है, और भी चीज़ें लगती हैं, वो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड करिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है मिनिमम सेल, कितने में आप बेचेंगे उससे सस्ता आप नहीं बेच सकते हैं, मान लीजिए आप 9800 से सस्ता नहीं देंगे। सपोज करिए किसी लड़के को आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर बैठाया है, उसको ये नहीं पता कि मिनिमम कितने में बेचना है, तो वो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में चेक कर लेगा कि मुझे 9800 रुपीज़ से सस्ता नहीं बेचना है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो बारकोड जो है, जो आपके आइटम होगा उसका बारकोड, गन से आप स्कैन करेंगे तो बारकोड का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज आप मैन्युअली भी कोई बारकोड यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज ये बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट भी होता है, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, इंटर कर लीजिए। इसके बाद से करा ओपनिंग पैकेज, कितना आपके पास सीपीयू पड़ा है स्टॉक में वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सपोज करिए 10 सीपीयू हमारे पास पड़ा हुआ है, ओपनिंग लूप्स मतलब कोई ख़राब सीपीयू पड़ा है वो भी आप यहाँ पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। फिर इंटर करेंगे, उसके पास एक ऑप्शन होता है सेव का, यहाँ पे आप सेव कर लीजिए, तो यहाँ दे रहा है प्रोडक्ट हैज बीन सेव सक्सेसफुल्ली, ये सेव हो गया। अब कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेव किया
उसके बाद से अब हमको बेचना है, तो बेचने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल का, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेल का, तो आप सेल पे आएंगे, यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेट बताएगा 2/8/2017, ऑटोमेटिक डेट आपके कंप्यूटर से उठा लेगा। अब जिसको आप बेचेंगे उसको कैश में बेचेंगे कि क्रेडिट यानी उधार देंगे या फिर कैश में बेचेंगे, सपोज करिए आप कैश में बेचते हैं तो आप कैश यहाँ पे चूज करेंगे, फिर यहाँ पार्टी का नाम कैश हो गया, फिर यहाँ पे सेल टाइप आपको शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेल का जो टाइप है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो आप कह रहा है इंटर स्टेट B2B, मतलब कि जो व्यक्ति जिसके पास GST नंबर है वो इंटर स्टेट, मतलब आपके स्टेट के अंदर जिसके पास GST नंबर है वो है, तो हम लोकल रिटेलर को बेच रहे हैं तो हम लोकल रिटेलर यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे बाउचर नंबर 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, बिल नंबर आ गया, फिर आप इंटर करते रहिए इंटर करते रहिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमर का नाम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, जो भी है आप यहाँ पे इंटर करके अपने पास उनका पूरा डेटा रख भी सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर करते रहेंगे तो ये आपसे हट जाएगा। फिर जितने आइटम हमने ऐड किया था वो आइटम का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी हम एक CPU का आइटम ऐड किए थे, हम CPU को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद से फिर हम इंटर करेंगे तो करा कि यहाँ पे क्वांटिटी पीस, कितना पीस आप बेच रहे हैं, सपोज करिए हम किसी को 2 पीस बेच रहे हैं, फिर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे प्राइस आपको बता रहा है कि 10,000 का एक है और पर पीस 10,000 रुपये पड़ेंगे, बेसिक अमाउंट जो होगा यानी 2 पीस लिया तो 10×2=20,000 रुपया यहाँ पे उसका टोटल जो बेसिक होगा 10,000 होगा, तो यहाँ देखिए 16,949 रुपये उसका बेसिक अमाउंट हुआ। अगर आपको डिस्काउंट करना है परसेंटेज में तो आप 5% करेंगे तो 847 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, अगर डिस्काउंट नहीं करना है तो आप हटा दीजिए। फिर यहाँ कह रहा है कि जो आपका ये वैल्यू या बेसिक अमाउंट उस पर जो 18% टैक्स लगा वो टैक्स है 3,050 रुपया 85 पैसे, यानी टोटल जो क्लाइंट को पे करना है वो 20,000 रुपये उसको पे करना है। तो हम इंटर करते गए इंटर करते गए, फिर यहाँ पे हम सेव करेंगे, यहाँ ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि सेल एंट्री सेव्ड, यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो सेव्ड हो गया है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया डू यू वांट टू प्रिंट बिल, यस, अब अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रिंट आप यहाँ से आ जाएगा। प्रीव्यू पहले देख लीजिए कि कैसा बिल निकलेगा, जो GST का बिल होता है वो कैसा होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ आपके कंपनी का नाम, जो भी एड्रेस वगैरह आप चाहें तो मैन्युअली जो भी चीज़ें चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए CPU 2 पीस इसका रेट हुआ, एक पीस का 8,474.58 रुपया, उसके बाद से उसका टैक्स लगेगा, टोटल 20,000 रुपया अमाउंट हुआ। फिर आप अगर आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे 20,000 रुपया टोटल अमाउंट हुआ, यहाँ पे कितना आपने टैक्स पे किया, कितना आपका टोटल वैल्यू हुआ, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर देती है, प्रॉफिट हुआ कितना, लॉस हुआ कितना, ये सारी चीज़ें आप इसमें आप कर सकते हैं, मतलब कि इस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें आप चाहते हैं वो सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में आपने सीखा आइटम को ऐड कैसे करते हैं और बिल कैसे काटते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।